जय हिंद एवरीवन। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाला है आरपीएफ जो रेलवे तरफ से निकल कर आ चुकी है दोस्तों नोटिफिकेशन। तो जिस भाई बहन का जो एसएससी जीडी में फॉर्म नहीं भर पाए और जिसका एज ओवर हो गया दोस्तों, तो वो घबराए नहीं दोस्तों, बहुत अच्छा मौका निकल के आ रहे हैं। आप लोग अच्छा से तैयारी करें और बेस्ट करें तैयारी। ये आरपीएफ नोटिफिकेशन जो रेलवे की तरफ से निकल कर आ चुकी है दोस्तों, तो यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ जो दिया गया है यहाँ पे आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024, आरपीएफ न्यू वैकेंसी 2024, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स न्यू वैकेंसी 2024 अप्लाई ऑनलाइन। तो दोस्तों तो बहुत अच्छा मौका है दोस्तों, तो आप लोग भी जिस भाई बहन का एसएससी जीडी में नहीं, जिसका हाइट के प्रॉब्लम था, तो दोस्तों इसमें हाइट 1.65 मांगा गया है दोस्तों। तो आप लोग पूरा देखें वीडियो को और देखें जो इसमें क्या मांगा गया है, नहीं मांगा गया दोस्तों। तो आप लोग भी अच्छा से तैयारी करें। इसमें जो क्वालिफिकेशन थे 10th पास है दोस्तों। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहले एग्जाम होगा, उसका पीटी पीएचटी, उसके बाद मेडिकल होगा दोस्तों। ऑनलाइन डेट जो है जनवरी 2024 में दिखा रहा है, लास्ट डेट जो है फरवरी 2024 में दिखा रहा है। तो दोस्तों आप लोग गलती ना करें और अपना अच्छा से तैयारी करें और बेस्ट तैयारी करें दोस्तों। यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है दोस्तों, टोटल पोस्ट जो है 12,000 है मेल फीमेल दोनों का। कॉन्स्टेबल रहेगा 9,000, पोस्ट रहेगा सब इंस्पेक्टर एसआई का रहेगा 3,000 दोस्तों। तो आप लोग भी तैयारी अच्छा से करें। जिस भाई का जिसमें एसएससी जीडी में नहीं हुआ, अरे इसमें जो हाइट है दोस्तों बहुत कम मांगा गया है दोस्तों। इसमें देखें एक पे ये जो है दोस्तों, यहाँ पे देखें जनरल और ओबीसी के लिए, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर मेल का, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, और अदर जो है यहाँ पे मांगा गया है 163 सेंटीमीटर मेल का रहेगा और फीमेल का 155 सेंटीमीटर रहेगा। तो दोस्तों आप लोग अच्छा से तैयारी करें, वैकेंसी भी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और मेल के लिए यहाँ जो सबसे यहाँ टॉप जो आरपीएफ में रहता है, रनिंग रहता है दोस्तों, आर्मी जैसा ही रहता है। तो यहाँ पे देखें मेल के लिए जो है 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में, फीमेल के लिए जो है 800 मीटर का 3 मिनट 40 सेकंड। हाई जंप जो है यहाँ मांगा गया 14 फीट और 9 फीट जो है ये है दोस्तों फीमेल के लिए। तो दोस्तों आप लोग भी अच्छा से तैयारी करें और अच्छा से अपना अभी एग्जाम का तैयारी करें दोस्तों। पहले इसमें एग्जाम का जो प्रोसेस रहा जाता है दोस्तों, बहुत अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पे देखें दोस्तों बहुत अच्छा है, 50 नंबर का जो रहेगा जीके जीएस करेंट अफेयर रहेगा, 35 नंबर का मैथ रहेगा, 35 नंबर का रीजनिंग रहेगा दोस्तों। तो बहुत अच्छा है दोस्तों, आप लोग भी अच्छा से तैयारी करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।